हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ। पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था वो सितंबर डिस्कशन किया था। ओके, आज अक्टूबर के बारे में करेंगे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट अक्टूबर टेबल फैन परचेज फॉर पर्सनल यूज। तो फर्स्ट एंड इज द, आपको पता है पर्सनल यूज के लिए हमेशा ड्राइंग अकाउंट लगाते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कुछ क्वेश्चन होगा कि इसमें हमारे पास फैन आ रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ, अगर लिखा होता टेबल फैन परचेज तो हम लिख सकते थे फिर टेबल फैन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन इसमें टेबल फैन के साथ पर्सनल वर्ड आया, तो प्रायोरिटी जो मिलेगी वो आपको पर्सनल वर्ड को मिलेगी। और पर्सनल की चीज़ों को आपको पता है कि अकाउंट्स के अंदर हमेशा ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, और जितना इसका अमाउंट है वो आप उसको डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपॉजिट बाय बैंक। इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा किया बैंक द्वारा, तो यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा कर दिया 2 अक्टूबर को, तो इसका एंट्री बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सिस अकाउंट, क्योंकि आपका ये जो बिल जमा हुआ है ये आपका जमा हुआ है बैंक द्वारा, तो यहाँ पे 15। ओके, नेक्स्ट है बैंक एक्सपेंसेस। बैंक का कुछ खर्च हुआ एज लाइक आपका एटीएम एक्सपेंसेस हो गया है, चेकबुक एक्सपेंसेस हो गया, तो वो जो डिडक्टेड होनी है अमाउंट वो कहाँ से होनी, वो आपके अकाउंट से ही डेबिट होनी है, तो इसलिए हम इसकी एंट्री भी बनाएंगे बैंक एक्सपेंसेस, बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सिस अकाउंट। ठीक है, तो आपका कितना अमाउंट है 150 रुपीज, और यहाँ पर भी 150 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद है आपका 4 अक्टूबर को या स्टेशनरी परचेज कॉटन, तो यहाँ पे आप इसको बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि आपके पास स्टेशनरी आ गई और आपके पास से कैश क्रेडिट हो चुका है, यानी कि कैश आपके पास से जा चुका है, तो ये आपका कितना है स्टेशनरी 500, और यहाँ पर भी 500। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे आपका 5 अक्टूबर को 510 को यहाँ पे फर्नीचर परचेज, तो मेरे पास क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ओके, फर्नीचर आपके पास जो कितने का है, आपके पास 500 का फर्नीचर आया, 500 यहाँ और 500 यहाँ पे आ गया आपका। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद में आपका यहाँ पे 6 को गुड सोल्ड फॉर कैश, यानी कि आपने माल को बेच दिया 610 के अंदर, तो यानी कि आपके पास क्या आया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। आपके पास कितने का है ये सेल्स, ये है आपका 1500, और यहाँ पे भी 1500। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका यहाँ पे 7 को मशीनरी परचेज, यानी कि 7 अक्टूबर को क्या खरीदी, मशीनरी, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। ओके, तो मशीनरी कितने का आपका, मशीनरी आपका 15,000, और यहाँ पर भी 15,000। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका यहाँ पे 10 डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिशिएशन किसे बोलते हैं, देखिएगा डेप्रिशिएशन का मतलब होता है एक तरह से हरास होता है, ऐसे लाइक मान लो आप कोई एक मशीनरी खरीदो 50,000 के, और अगर आप उसको एक साल बाद बेचने लगे आफ्टर 1 ईयर, मान लो वो आपका हो गया 40,000, आपने कितने का खरीदा था 50,000 का, बेच दिया आपने कितने का एक साल बाद उसको 40,000 का, आपको कितने का लॉस हो गया 10,000 का, यानी कि वो जो लॉस हुआ है उस लॉस को हम बोलते हैं, जो 10,000 है उस लॉस को कहा जाता है डेप्रिशिएशन, यानी कि मशीन को बेचने पर आपको जितने का लॉस हुआ उसको हम डेप्रिशिएशन के नाम से जानते हैं। तो ये आपका हुआ 10 अक्टूबर का, 10 अक्टूबर का, यानी कि आपका डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि वो किस पे लगना, मशीनरी पे ही तो लगना ना, मशीनरी आपकी ओरिजिनली कितनी थी 15,000, आपका हरास कितना परसेंट लगा डेप्रिशिएशन 5%, तो अगर आप इसका निकालते हैं तो कितना बढ़ता है 750 रुपये बढ़ता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका 11 में, 11-10 के अंदर आपने क्या करा, कैश रिसीव फ्रॉम जेम्स गोसले एंड डिस्काउंट 10 रुपीज, यानी कि आपको क्या हुआ कैश प्राप्त हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट भी क्या होगा आपको डेबिट, आपको बताया था मैंने डिस्काउंट के रूल्स बताया था, यदि कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और किससे हुआ ये जेम्स गोसलिंग से, आपको जेम्स गोसलिंग से जो अमाउंट आनी है वो कितनी आनी है, जेम्स गोसलिंग से आपके पास 460 अमाउंट आनी है,
और आपके पास जो डिस्काउंट है वो 10 रुपीज का है, तो कैश कितने का आएगा? 450। ओके, नेक्स्ट है आपका 15 को 15 10 गुड सोल्ड टू जेम्स गोसलिंग। आपने जेम्स गोसलिंग को माल भेज दिया, तो जेम्स गोसलिंग डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा आपका सेल्स। ओके, जेम्स गोसलिंग को आप कितना सेल कर पा रहे हैं? 6,000 रुपीज का, तो यहाँ पे 6,000 डेबिट एंड 6,000 एंड क्रेडिट। नेक्स्ट आपका आता है आपका यहाँ पे 16 अक्टूबर, आपने यहाँ पे क्या करा, इसको चेक पेड किया जेम्स गोसलिंग को, तो जेम्स गोसलिंग आपका डेबिट हो जाएगा टू एक्सिस अकाउंट, क्योंकि हम बैंक अकाउंट द्वारा दे रहे हैं, और टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, जेम्स गोसलिंग के पास टोटल अमाउंट जो जानी है वो 6,000 जानी है, 6,000 में आपके पास इस पर 10% डिस्काउंट है, तो इसका मतलब आपका 600 का डिस्काउंट हो गया। 600 का जब डिस्काउंट हो गया तो आपका चेक कितने का जाना, 5,400। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद में 20 अक्टूबर, 10 20 अक्टूबर को कहता है कि गुड सोल्ड टू अमरनाथ, आपने अमरनाथ को माल भेज दिया, अमरनाथ डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा आपका सेल्स सेल्स अकाउंट। अमरनाथ को कितने का गुड्स जाना है, ये टोटल जाना है आपको 3,500, क्रेडिट 35 है, सेल्स 3,500। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका 21 में क्या हुआ, गुड्स रिटर्न फ्रॉम अमरनाथ, हमने क्या कहा था अमरनाथ को माल बेचा था, उसने हमें माल वापस कर दिया, तो उसको हम किस अकाउंट में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किस आना है, अमरनाथ। ओके, तो यहाँ पे आप कितने का हुआ आपके पास, 1,500 का रिटर्न हो गया आपके पास। ओके, अगर आप देखा जाए फाइनल स्टेटमेंट कितना दिख गया अमरनाथ का, यानी कि 3,500 में से अगर आप 1,500 माइनस करते हैं तो लास्ट फाइनल जो स्टेटमेंट रह गया अमरनाथ की तरफ 2,000 का। अब उसके बाद वो क्या कहता है 23 के अंदर, वो ये बोलता है कि चेक रिसीव फ्रॉम अमरनाथ एंड डिस्काउंट उस पर 8% लगाना है। तो आपको पता है जब चेक प्राप्त होगा तो एक्सेस अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे भी क्या होगा आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, यानी कि दोनों चीज आपकी डेबिट होंगी, और टू अमरनाथ, अमरनाथ से जो आपका पास अमाउंट आना है वो आना है 2,000 रुपीज आना है, और जो डिस्काउंट है वो कितना है आपके पास, डिस्काउंट है 1,500, 8%। तो अगर आप 8% इसका कैलकुलेट करते हैं तो 8% कितना बैठता है, 8% जो बैठता है वो आपका 160 रुपीज बैठता है, तो आपके पास चेक कितने का आएगा, इस वाली अमाउंट को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास 1840 का चेक आना है, 1840। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट ये बोलता है कि 25 को आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, आपका कोई बिजली का मान लो बिल है, बिल में कुछ कमी आ गई है, आपके घर पे कोई मीटर लगा हुआ है उसमें आपने कुछ रिपेयर कराया तो उसमें खर्चा आया है, तो इसको ये 25 अक्टूबर का है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू ये आपने कैश किया, ठीक है, कैश अकाउंट कितने का है आपका खर्चा 1,800, और यहाँ पर भी 800। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 26 को आपके पास कोई मशीन दी, आपने उसको रिपेयर कराया, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे मशीनरी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, मशीनरी रिपेयर जो आपने कराया है वो 900 का कराया, और यहाँ पर भी 900 का। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका यहाँ पे 29 10 में ये बोलता है कि कैश क्रेडिट टू पवन, पवन को उधार दे दिए, तो इसका पवन को उधार देने का मतलब आप पवन को अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ कैश उधार देने लगे तो वो भी तो कैश ही जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो गया पवन डेबिट हो गया कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट कितने का 500, और यहाँ पर भी 500। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 10 को बोलता है कि बैंक एक्सपेंसेस, तो बैंक एक्सपेंसेस का मतलब क्या, बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू आपका हो जाएगा यहाँ पे एक्सेस अकाउंट। ओके, ठीक है, कितने का हुआ आपका ये बैंक एक्सपेंसेस 500, और यहाँ पर भी 500। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे 29 के बाद में 30 10 में क्या कहता है, आपने सैलरी दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
ठीक है, सैलरी आप कितने का पे कर रहे हैं, 2000 का, और यहाँ पर भी 2000। ओके अच्छा ओके नेक्स्ट प्लीज वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे और क्या है। ओके सैलरी के बाद आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पे कमीशन रिसीव, यानी कि आपको प्राप्त हो गया है 30 में, तो आपके पास क्या आ गया, कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू किसके रूप में, कमीशन के रूप में, कमीशन अकाउंट। ओके आपके पास जो कमीशन आना है वो कितने का आना है, 500, और यहाँ पर भी 500। नेक्स्ट इसके बाद में फिर आता है आपका यहाँ पे 30 के बाद फिर 31, 3110 में बोलता है इंटरेस्ट पे, आपने ब्याज दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 200, और यहाँ पर भी 200। नेक्स्ट इसके बाद में आता है आपका यहाँ पे 31 में ही 10 के अंदर पोस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस बाय एक्सिस बैंक, आपका कुछ पोस्ट ऑफिस होगा डाकखाने का, तो उसमें कुछ खर्चा आया एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, लेकिन उसका पेमेंट आपने चेक से कर लिया। ओके कितना है आपका यहाँ पे, ये 1500, यहाँ पर भी 1500, इट्स क्लियर। नेक्स्ट 3110 ये आता है आपका गुड्स सोल्ड, आपने माल भेज दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके नेक्स्ट कितने का है ये आपका, 160 रुपीज, और यहाँ पर भी 160 रुपीज। नेक्स्ट इसके बाद 3110, 3110 में ये बोलता है कि गुड्स परचेज, आपने माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका कितना है, 300, और यहाँ पर भी 300, सॉरी। ओके नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर लास्ट एंट्री है क्या, कैश डिपॉजिट इन टू एक्सिस बैंक, आपने बैंक के अंदर कैश जमा किया है 3010 के अंदर, तो इसका मतलब आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एक्सिस अकाउंट डेबिट, एक्सिस अकाउंट डेबिट और टू कैश, तो कैश अकाउंट कितना है, ये आपका है 3000, और यहाँ पे भी 3000। ओके आज हमने अक्टूबर कंप्लीट कर लिया है, और अक्टूबर की एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। यदि किसी को कोई एंट्री में कोई डाउट है तो आप मुझे डेट डाल के वो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। ओके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।